I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया एंड केमिस्ट्री में वही फिर प्रीवियस लेक्चर था उसके नोट्स कंप्लीट किए एंड उसी की क्लास इलस्ट्रेशन और जो होमवर्क मिला था उसको सॉल्व किया तो वही सेम टू सेम। लेकिन यार तुम लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। हमारे चैनल पर 98% अनसब्सक्राइब ऑडियंस आती है, सिर्फ 2% है जो सब्सक्राइब की हो, तो यार कर दो ना सब्सक्राइब। तो जो भी होमवर्क मिला था डिटरमिनेंट में और मैट्रिसेस में वो मैंने रात में ही कंप्लीट कर लिया था एंड ये तुम देख सकते हो। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिवी वाले क्वेश्चंस, तो इसमें टोटल 43 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग बोलते हैं कि मैथ में और कौन सी रेफरेंस बुक लगाओ, तो क्या सच में तुम एक बार कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या टाइम मिलता भी है? क्योंकि यार देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो जैसे हमारा जस्ट अभी डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो उसके जो डिब्बी क्वेश्चंस थे, और सर ने जैसे बोला भी है कि जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद तुम्हें पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको रिसॉल्व करना है, और बाकी के तुम्हें डिब्बी क्वेश्चन जो चैप्टर चल रहा है उसके तो तुम्हें मिलते ही हैं और होमवर्क भी मिलता है। तो सच में क्या तुम्हारे पास टाइम बचता है अदर रेफरेंस बुक लगाने का? क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं बचता है, कभी कभी डिब्बी क्वेश्चंस रह जाते, कभी मैं मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है दिशा पब्लिकेशन लॉन्च रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन ऑफ 164 जेई मेंस बुक, जिसमें तुम्हें तीन बुक्स देखने को मिल जाएंगी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की। सारी बुक्स अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड हैं, जिसमें डिलीटेड चैप्टर्स रिमूव्ड हैं, और तुम्हें पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एज पर न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, और तुम्हें टोटल 164 पेपर्स देखने को मिल जाएंगे 146 ऑनलाइन एंड 18 ऑफलाइन इंक्लूडिंग AIEEE 2011। The book includes all the 20 papers held in 2024, 10 of session 1 and 10 of session 2। हर क्वेश्चन के आगे NCERT locator given होगा, जिससे तुम्हें पता चल सके कि ये क्वेश्चन कब और कहाँ आया। And this is the best book for your JEE preparation। Last but not the least, this year publisher is given prize worth 1 crore with this book। For more details, check out the book। और अगर तुम्हें ये book purchase करनी है तो मैं link description में दे दूंगा, जहाँ से तुम easily अपनी books को buy कर सकते हो। मैथ के स्लॉट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा था फिजिक्स का लेक्चर, और जो कि आज रिकॉर्डेड लेक्चर था, एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम लोगों को मिला है तो उसको मैं कंप्लीट करने लगा था। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइव ही लेक्चर देखता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर में लाइव लेक्चर से ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी तुम लोग अपना अपना सजेस्ट करना। बाकी ये लेक्चर हो चुका था कंप्लीट और टाइम हो रहा था 5:27 एंड जिसके मैंने साथ ही साथ नोट्स भी बना लिए। एंड फिर मैं आज एक और रिकॉर्डेड लेक्चर देखने लगा था मैथमेटिक्स का। ड्यू टू सम रीजंस मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था, तो इस वजह से मैथ का भी मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर लेना पड़ा। बाकी ये मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर था तो काफी अच्छा लेक्चर था। Under the stars up in the sky. I got lost tonight. लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हो गया था 10 मिनट पहले, लेकिन फिर मैं नोट्स बनाने लगा और अभी टाइम हो रहा है 12:16, तो नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और एक सेकंड तुम देख सक, और ये तुम टाइमिंग चेक कर सकते हो कि 7:14। Baby, it's you and I.